नजमुल सहार फ्रॉम यूनिवर्सल रिहैबिलिटेशन क्लिनिक। अभी तक हम बात कर रहे थे बच्चों में ऑटिज्म के हवाले से। मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी, एक 23 इयर्स की लड़की थी और उसके अंदर साइन हो रहे थे ऑटिज्म के, और उसके पेरेंट्स इसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। एक वेयर्ड किड के तौर पर उसको लिया जा रहा था। इवन जब वो डॉक्टर्स के पास गई तो वो भी उनको सही सजेस्ट नहीं कर रहे थे कि उसे क्या करना चाहिए। तो इस बारे में आप क्या करेंगे कि एडल्ट्स में अगर साइन होते हैं तो उनको क्या करना चाहिए ताकि वो अपनी डेली रूटीन जो है वो किस तरह सॉर्ट आउट करें। जिस तरह आपने भी इस क्वेश्चन में एक आपने एग्जांपल दी, 23 इयर्स ओल्ड यानी कि एडोलेसेंट एज की एक फीमेल है, उनके अंदर साइंस डेवलप हुए, तो इस पे भी फिर यही है कि स्टार्ट तो इसी तरह किया जाएगा कि हम लोग प्रॉपर इवेल्युएशन करते हैं कि ये क्यों हुए ये वाले साइन डेवलप। बहुत सारी साइंस इस तरह होते हैं कि एक्वायर्ड डिजीजेज होती हैं, यानी कि किसी खुदा न खास्ता किसी इंजरी की वजह से कोई चीज डेवलप हुई हो, उनको ब्रेन के अंदर एक्वायर्ड इंजरी हो गई हो, या ब्रेन के अंदर खुदा न खास्ता कोई स्पेस ऑक्यूपाइड लीजन या ऐसी कोई चीज डेवलप हुई हो, या फिर इसके अलावा साइकेट्रिक और साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं कि वो जिस एनवायरनमेंट में वो बच्ची पढ़ रही है, रह रही है, जॉब कर रही है, कहीं इस वजह से उसने कुछ साइकेट्रिक इश्यूज तो नहीं डेवलप कर लिए। तो पहले तो हम ये सारी चीजें रूल आउट करते हैं, उसके बाद भी अगर साइंस ऑफ ऑटिज्म मिलना शुरू हो जाते हैं या ऐसी कोई इस तरह की बिहेवियरल चेंजेस मिल रहे होते हैं जिसका आप ताल्लुक जोड़ते हैं ऑटिज्म से, तो बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर ऐसे हैं जिसका जो ऑनसेट एज है ना, एज ऑफ ऑनसेट, वो एडल्टहुड या फिर एडोलेसेंट एज में जाके वो उनके साइन और सिम्टम सामने आते हैं। तो इसको भी एक रियलिटी के तौर पे एक्सेप्ट करना चाहिए, और मीनवाइल फिर आपने साथ साथ ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, आपने मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इसमें भी लेनी चाहिए। आपने पहले न्यूरो फिजिशियन को दिखाना है, वो ब्रेन रिलेटेड इश्यूज को रूल आउट करेंगे, फिर साथ साथ थेरेपिस्ट को आपने इन्वॉल्व करना होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, और जो दीगर जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चाहिए होती है फिर उसको स्टार्ट की जाती है। बहुत सारे हमारी सोसाइटी में आज भी ये है कि बहुत सारे लोग इस तरह के इश्यूज को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, और फिर बहुत सारे लोगों के बिलीव इस तरह के होते हैं कि फिर वो दूसरी तरफ चले जाते हैं कि इस बच्चे पे खुदा ना खास्ता कोई साया हो गया या ऐसी चीज, इस तरह के टर्म्स आपको सुनने को मिलती है, वो इसी बारे में मेडिकल जो उसमें ट्रीटमेंट है वो सीख नहीं कर रहे होते। के साइन आप कुछ बताएंगे कि किस किस्म के साइन होते हैं एडल्ट्स में ऑटिज्म के। एडल्ट्स में ऑटिज्म के कुछ जो मेजर साइंस जो हम लोग नोटिस करते हैं वो ये है, एक सबसे बड़ा जो बिहेवियरल चेंज आता है वो ये आता है रिपीटेटिव या स्टीरियोटाइप बिहेवियर, यानी पहले वो बंदा सही फोकस कर लेता था चीजों पे और वो हर चीज का प्रॉपर तरीके से जवाब दे रहा होता था, या लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्लासेस अच्छे से ले रहे होते थे, लेकिन उसके बाद फिर एक बिहेवियर चेंज इस तरह आता है रिपीटेटिव स्टीरियोटाइप बिहेवियर के, जिसमें बंदा जो है फोकस नहीं कर पा रहा होता, अचानक से उसका फोकस करने का जो उसकी सलाहियत है वो डिसेबल हो रही होती है, तो ये एक साइन है। उसके अलावा एब्सेंस ऑफ सिम्बॉलिक प्ले, यानी कि बहुत सारी जो चीजें होती हैं लोग अपना जो मौके के मुनासबत से वो लोग उसको रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्शन वाली सलाहियत कम होनी शुरू हो जाती है, जैसे गम और खुशी वाले मौकों पे लोग अपना जो एक्सप्रेशन है वो देते हैं, तो अगर ये बिहेवियर चेंज आ रहा हो तो ये एक साइन है जिसमें आपने एडल्टहुड में ये नोटिस करना है कि पहले ये बंदा ऐसा नहीं हुआ करता था, तो कोई कुछ ना कुछ देयर इज समथिंग रॉन्ग विच नीड टू बी इवेलुएट। उसके अलावा फिर कुछ एडल्ट्स में आप देखेंगे नोटिस करेंगे सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर और सुसाइडल टेंडेंसी, उन लोगों में सुसाइड की टेंडेंसी बढ़ रही होती है, अपने आप को इंजरी देना शुरू कर लेते हैं, और उसके अलावा फिर ऐसे लोगों का फिजिकल और मेंटल एवेल्युएशन होनी चाहिए। फिजिकल चेकअप में आप उनके अंदर बहुत सारे साइंस ऑफ इंजरी चेक करेंगे, ब्रूजेज, उन्होंने अपने जिस्म में अपने आप को नुकसान पहुंचाया हुआ मल्टीपल साइड्स पे। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सेक्सुअल अब्यूज हुआ हुआ उनके साथ, वो खुद वॉलंटरीली जाके अपने आप को नुकसान इस तरह भी पहुंचवा सकते हैं। तो ये वो साइंस जो मेजरली आप नोटिस करेंगे एडल्टहुड में जो अचानक बिहेवियर चेंज की तरफ जा रहे होते हैं। अच्छा डॉक्टर मोइन, मुझे ये भी पूछना था कि अगर बच्चों जैसे एडल्ट्स में गुस्सा बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा बार बार आना, तो ये भी क्या जी साइन जो है वो ऑटिज्म में ही आता है? और फिर उसको अगर आगे है तो वो उसको डील किस तरह करें? बिल्कुल, गुस्सा आना और एक्सेसिव मतलब मूड स्विंग, जिसमें पहले इस तरह का ऐसा कुछ होता नहीं था उस बंदे में, और अचानक सडनली आप नोटिस कर रहे हैं कि यही के बिहेवियर चेंज आ गया बंदे में, अब वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव रहते हैं, हाइपर बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, तो ये भी ऑटिज्म के उन साइंस में से एक साइन डिफरेंशियल डायग्नोसिस में रख के इस पे वर्कअप किया जा सकता है। और इसके अलावा डिफरेंट साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स भी हैं जिसमें ये साइंस मिलते हैं, तो इस हवाले से फिर साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेनी पड़ती है, वो अपने अपने जो टेस्ट होते हैं स्क्रीनिंग होती है वो अपने तौर पे करवाते हैं, और मीन वाइल फिर इसकी ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर दी जाती है। ट्रीटमेंट में फिर वही मूड स्टेबलाइजर्स और साथ साथ जो है एंटी साइकोटिक मेडिसन्स, ये सारी मेडिसन्स सिम्टोमेटिक तौर पर दी जाती हैं पेशेंट्स को।
तो इस टॉपिक को मैं इस तरह आखिर में कंक्लूड करना चाहूँगा कि ऑटिज़म के अलामात जो हैं, कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिनमें अलामात लेटर ऑन एडोलिसेंट एज में जाके सामने आती हैं। तो जब कभी ऐसा हो रहा हो या फिर कभी कभार मिस डायग्नोसिस की वजह से बचपन में ये वाले सिम्टम्स मिस हो जाते हैं, बिहेवियरल चेंजेस होते हैं बच्चों में और पेरेंट्स उसको इग्नोर कर रहे होते हैं, कहते हैं कि सब सही है, तो कभी कभार ये अलामात आगे जाके बढ़ते हैं और ऑटिस्टिक डिसऑर्डर जो है वो कॉम्प्लेक्स उसकी सीवियर फॉर्म में सामने आ रहा होता है। तो जो भी सिनेरियो है, अगर एडोलिसेंट या एडल्टहुड में जाकर ये चीज़ डायग्नोस हो रही है, तो फिर इसको सपोर्टिव ग्रुप के जरिए और पेशेंट सेंटर्ड केयर के जरिए इन मामलों को देखा जाता है। फिर ऐसे में पेशेंट की जो नीड्स होती हैं और उनके जो इश्यूज़ होते हैं उसको इंडिविजुअली स्पेसिफिकली एड्रेस किया जाता है। इसमें साइकोथेरेपिस्ट भी साथ में होते हैं, यानी कि साइकोलॉजिस्ट, और साथ साथ साइकेट्रिस्ट की नीड भी ली जाती है फॉर मेडिकेशन। उसके साथ साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव बनाने के लिए जो जो मेजर्स और थेरेपीज रिक्वायर्ड हो सकती हैं वो उनको स्पेसिफिकली दी जा रही होती हैं। ऐसे में सपोर्ट ग्रुप का बहुत ज़्यादा रोल है, पेरेंट्स और उनके सराउंडिंग, उनके फ्रेंड्स, ये सारे जो लोग होते हैं इनका बहुत बड़ा एक रोल होता है कि वो मिलके इस बंदे की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव बनाने के लिए अपना कितना अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। तो इसी चीज़ पे मैं यहाँ पे इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।